24 तारीख को सजा मिलेगी आपको, दोनों आदमी हाजिर होंगे आप लोग। बेईमानों की जमात लगी हुई है, इसका बॉस कौन है वहाँ पर? कहाँ ब्लॉक डायरेक्टर को? क्यों सब कुछ छिपा के रखे हुए भाई? एक के बाद एक को बुलाते हो, सबको बुलाकर सामने खड़ा करो। तुम पीछे बैठे हुए हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, तुम उसको सामने आके बताओ हम लोगों को, और बने हो डिप्टी डायरेक्टर, कहाँ पोस्टेड हो? तुम्हारी अकल में बात नहीं घुस रही है? जेल जाना है? क्या नाम है तुम्हारा? तुम चपरासी के लायक नहीं हो। दिस मैन बोथ ऑफ देम शुड बी सस्पेंड, दे मस्ट बी करप्ट पीपल। ये हैबिचुअल बदमाश है ये लोग। ब्लॉक कलेक्टर कहाँ कलेक्टर है? ये भी जेल जाएगा, इसका डायरेक्टर जेल जाएगा। ये नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर। तुम बाबू टाइप बात कर रहे हो, तुमको अफसर किसने बना दिया? ये तो बाबू बनाने लायक आदमी नहीं है, कहाँ से अफसर बन गया ये? तुमको हाईकोर्ट के ऑर्डर की अहमियत नहीं पता? तुम होते कौन हो तुम रोकने वाले? मिस्टर मोदी इसको बुला लो। इंस्पेक्टर और इज एन ऑफिसर, मिस्टर माइनिंग ऑफिसर, क्या नाम है आपका? दिनेश सिंह गुडवे, दुडवे। 14/3/23 का हाईकोर्ट का आदेश है, उसके बाद कलेक्टर साहब ने आदेश पारित किया है। कब हुआ आदेश? कलेक्टर का आदेश कब का है? 20/12/22 का है। 14/3/23 का हाईकोर्ट का ऑर्डर हो गया, इसके बाद क्या किया आपने? 14/3/23 के बाद क्या किया? मैं जानना चाहता हूँ। 14 अब हम तीसरी बार बोल रहे हैं, चौथी बार में बोलना बंद करेंगे, दिखाना शुरू करेंगे, तुम्हारी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। क्या लिखा है तुमने? हाँ, आप इनको ETP पास क्यों नहीं दे रहे हैं? आप मुझे बता दीजिए कि ये 1,94,000 सब ऑड क्यूबिक मीटर ऑफ सैंड कोई आदमी खुलेआम रह सकता है क्या? जब तक कि वो कोई ऑर्गेनाइज गैंग का मेंबर ना हो, इसमें आप सबकी मिली भगत रहती है जो देखी गई है हमेशा। ये अभी हम नहीं देखते हैं, मुरैना के पास में चंबल की नदी के किनारे से रोज सवेरे 6 से 9 बजे तक या सुबह 5 से 8 बजे तक ट्रैक्टरों की लाइन लगी रहती है, और कोई पूछने वाला नहीं है कि रेत कहाँ से ला रहे हो। तुम्हारे ही भाई लोग खड़े हैं वहां पे ना, को उस वक्त तू चले जाते हो मुरैना छोड़ करके, वो जब रेत का ट्रांसपोर्टेशन होता है। इतनी इलीगल माइनिंग चल रही है यहाँ पर जिसका कोई हिसाब नहीं, और जिसमें आप भी कुछ हद तक भागीदारी हैं। आप मतलब जो आपके यहाँ पे काउंटर पार्ट है मुरैना में। और ये केस कहाँ का है? आज भिंड में भी ये खुराफात हो रही हो, और कोई बड़ी बात नहीं है कि ये जो काम इन्होंने किया ये कोई बड़ी सफाई से किया, और बड़ी बात नहीं, इन्होंने खुराफात करी होगी। लेकिन आज की तारीख में जुडिशियल ऑर्डर हो चुका है, अब तो इनको आपको ट्रांसपोर्ट को रेत को ट्रांसपोर्ट करने की परमिशन के साथ साथ अथॉरिटी भी देनी पड़ेगी, और नहीं देंगे तो हाईकोर्ट के ऑर्डर की अवमानना होगी। तो आप लिख के दो इनको कि आपको हम सुपुर्दगी नामा में देते हैं और आपको ट्रांजिट पास की आवश्यकता नहीं है। आप लिख के दे दो। अरे किसी को तुम सुपुर्दगी में 1,94,000 क्यूबिक मीटर तुम सैंड दोगे, कोई क्या वो एक बॉक्स में आ जाएगा क्या? उसको ट्रांसपोर्ट तो करना पड़ेगा ना। और जब ऑर्डर में लिखा हुआ है कि जब कभी भी इसकी जरूरत पड़ेगी तो इस सैंड अगर अवेलेबल नहीं रहेगी तो उसकी वैल्यू उस तारीख को, जिस तारीख को ऑर्डर हुआ है, उस वैल्यू का पैसा जमा करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो सैंड इसको सुपुर्दगी में मिलेगी उस सैंड को यूज कर सकता है। बिना ATP के तो कोई मतलब नहीं है देने का। और पहले वैसे नॉर्मल कोर्स में आप देते हैं कि नहीं देते? नहीं, नॉर्मल कोर्स में वैसे जब सैंड लेते हैं नहीं, तो आप जब लीज में से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो कैसे ले जाते हैं? देना ही पड़ता है। तो वैसे हमेशा जब भी खदान से एक्सकवेशन होगा, जितना सैंड बनेगा उसका मेजरमेंट होगा, उसके बाद आप ETP में लिखोगे, उसमें समय लिखते हो कि ये ETP इतने समय के लिए वैलिड है, उस बीच में इस सैंड को आप ले जाओ।
दिस इज अ नोन प्रैक्टिस। आज की तारीख में जब आप ईटीपी नहीं दोगे तो ये सैंड कहां से ले जाएगा उसको वहां से, और कैसे यूज करेगा उसको? कोर्ट का ऑर्डर मेंशन करते हुए इनका प्रॉब्लम कुछ नहीं है। इनका प्रॉब्लम ये है क्योंकि यहां पर ये खागे गच्चा, अब इनके हाथ में ग्रीस कौन लगाए? जब कोर्ट का ऑर्डर हो गया तो ग्रीस क्यों लगाएगा? देखो सुधर जाओ तुम लोग, 7-8 साल हो गए ऑर्डर किए हुए, मतलब अगर नहीं सुधरोगे तो एक आदमी नौकरी भी जाएगी। तुम बात समझ नहीं रहे, तुमने जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास का ऑर्डर टेस्ट कर लिया, हाई कोर्ट में बहस हो गई, हाई कोर्ट ने टीका लगा दिया उसके ऊपर, ये ऑर्डर सही है वो, अब तुम सिर्फ इसलिए उसको कंप्लाई नहीं कर रहे हो क्योंकि तुम्हारी सेवा पूजा नहीं हुई, और तुम्हारी सेवा पूजा होना भी नहीं चाहिए क्योंकि अब जुडिशियल ऑर्डर हो चुका है। नहीं चाहते हो तो ईमानदारी से जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास ने कहा, जो इस डिवीजन बेंच ने आपको आदेश दिया, उसका पालन करिए अक्षरता, और नहीं करेंगे तो उठा के आज को आज ही सस्पेंड कर सकते हैं। आपको ईटीपी पास देना पड़ेगा, बिना उसके वो सैंड वहां से ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकती। अगर कोई और रास्ता है उसको से ट्रांसपोर्ट करने का तो लिख के दो कि हम ईटीपी पास नहीं दे रहे हैं, लेकिन हमारी अथॉरिटी है कि मध्य प्रदेश में कहीं ले जाएं इसको, ये इनसे कोई ईटीपी पास नहीं पूछेगा, लिख के दे दो। भाई ये तो रास्ता निकालना पड़ेगा ना। बताइए क्या बोलना चाह रहे हैं, बोलिए। इसकी अथॉरिटी कौन इशू करता है? जारी कौन करता है? आप अब कोर्ट का ऑर्डर है, कोर्ट का ऑर्डर मेंशन करके जारी करिए। देखो ये इसके बस का नहीं है मोदी जी, इसको उन्हें तो हम बुलवा लेंगे डायरेक्टर माइनिंग को, ये भी जेल जाएगा, इसका डायरेक्टर जेल जाएगा। डायरेक्टर को ही बुलाइए क्योंकि ये नाटक नहीं चलेगा यहाँ पर। तुम बाबू टाइप बात कर रहे हो, तुमको अफसर किसने बना दिया है? यहाँ दो, यहाँ चीफ जस्टिस साहब का आदेश है डिवीजन बेंच का, तुमने मजिस्ट्रेट के ऑर्डर को टेस्ट कर लिया हाई कोर्ट पे, हाई कोर्ट ने अभी याचिका खारिज कर दी, उसके बावजूद सुधर नहीं रहे हो तुम लोग, क्यों? तुम्हारे तुम्हारे हाथ को ग्रीस नहीं लगाई गई, ऊटपटांग ऑब्जेक्शन ले रहे हो, कभी ये पोर्टल में जाएगा, कभी उस पोर्टल में जाएगा, कभी सीटीवी, क्या दुनिया भर की बातें कर रहे हो? ये तो बाबू बनाने लायक आदमी नहीं है, कहां से अफसर बन गया ये? तुमको हाईकोर्ट के ऑर्डर की अहमियत नहीं पता? डायरेक्टर करेगा, आदत से मजबूर हो तुम लोग। आपका ये जवाब जो है वो बिल्कुल सही नहीं है, क्योंकि जो आदमी रिट यहाँ फाइल कर रहा है वो नोटिस के बाद वहाँ उपस्थित न हो या जानबूझ के एब्सेंट हो जाए, ऐसा हो सकता है क्या? ये सब बार बार जब कोर्ट ऑर्डर कर रही है यहाँ पे पिटीशन फाइल, कलेक्टर ऑर्डर पास कर रहा है, ईटीपी पास करो, निकालो, तुम होते कौन हो तुम रोकने वाले? इसका बॉस कौन है वहां पर? कहां ब्लॉक डायरेक्टर को? हु इज डिप्टी डायरेक्टर?
क्यों सब कुछ छिपा कर रखे हुए भाई, एक के बाद एक को बुलाते हो, सबको बुलाकर सामने खड़ा करो। तुम पीछे बैठे हुए हो, तुम्हें इतनी भी तमीज नहीं, तुम उसको सामने आके बताओ हम लोगों को ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी। और बने हो डिप्टी डायरेक्टर, कहां पोस्टेड हो, कौन है, कौन है डिप्टी डायरेक्टर जो अथॉरिटीज के ऊपर, जब उसने लिख के दिया 2022 में इसको ईटीपी पास जारी करो, तो क्यों नहीं जारी हुआ। कलेक्टर लिख के दे रहा है, हाई कोर्ट का डिविजन बेंच लिख के दे रहा है, तुम्हारी अकल में बात नहीं घुस रही है, जेल जाना है। क्या नाम है तुम्हारा, तुम्हारा नाम क्या है, तुम यहां ओआईसी हो, किस पद पे हो तुम, तुम चपरासी के लायक नहीं हो। हाइट ऑफ इडियोसिटी। जब कोर्ट का ऑर्डर हुआ तो उसको कंप्लायंस करिए, क्या ये सब नाटक कर रहे हैं भाई। जब कलेक्टर ने कर दिया है, ऑर्डर लिख के दे रहा है वो, आप लिख के दे दीजिए, कलेक्टर करेंगे, यही जवाब दे दीजिए। दो लिख करके तुम, हम कुछ नहीं कर सकते, कलेक्टर करेगा। दो लिख करके हम बुलाते कलेक्टर को, आई विल रिकॉर्ड योर स्टेटमेंट टुडे ओनली, लिखिए मिस्टर मोदी आई एम राइटिंग दिस that he states that he is not supposed to comply with the order, only collector may comply with the order. Jo compliance kar sakte ho court mein, ask seek instructions, I am going to record this statement and I'll call the collector. This man, both of them should be suspended, they must be corrupt people, because their palms are not greased, so they are not complying even with the court order. Ye habitual badmash hain ye log, inki aadatein kharab ho chuki hain. बुलाओ कलेक्टर, कहां कलेक्टर है ये, बुलाओ, लेट कलेक्टर को लिखो, इसमें लिखो पवन द्विवेदी फॉर द पिटिशनर, मिस्टर मोदी फॉर द रिस्पॉन्डिंग स्टेट, उसका ओआईसी का नाम क्या है, संतोष पटेल डिप्टी डायरेक्टर माइंस एंड ओआईसी ऑफ द केस, और ये दूसरा ये कौन आदमी है, दिनेश सिंह दुर्वे गुडवेग जो भी हो, माइनिंग ऑफिसर आर प्रेजेंट, फुल स्टॉप। इनडीड इट्स अ अनयूजुअल सिचुएशन, एक्सेप्शनल इन नेचर, that despite mandatory order passed by the division bench headed by the honorable chief justice on 14/3/23 to where under the court expressed displeasure for non compliance of the order of the judicial magistrate first class despite the same having been attained finality, and prima facie was of the view that the said order has been disobeyed by respondent number 6. Respondent number 6 was found to be having committed grave contempt of court in that behalf. Full stop. 2 weeks time was granted for number 6, the mining officer, to reply to the same as to why proceedings for contempt should not be initiated against him. Full stop. Next. Today, the mining officer is present before this court and expresses his inability to comply with the order. The OIC, Santosh Patel, also expresses his inability to comply with the order and submits, for the both submit that it is only the collector who may comply with the order. First of, at this stage, Shri Pavan Dwivedi points out that collector, by its order dated 20/22, has already issued directions for issuance of
ETP for lifting of 1,94,516 cubic meter of sand as ordered by the Judicial Magistrate First Class in its order dated 2/4/14. So under such circumstances, both these post of it appears that present officers, that the officers present in the court in fact and under such circumstances, both Santosh Patel, the director, and so and so, respondent number 6, Santosh Patel, director and OIC of the case, and respondent number 6 have clearly committed contempt of court and they are liable for punishment. Full stop. Let we hereby give notice to both of them to reply as to why they should not be punished for non-compliance of the order passed by this court on 14/3/23. Full stop. 3 days, 5 days time is hereby granted to show cause in that behalf. Call out this case on 24th of April. Aaj tarikh kaun si hai? 5 days bahut hai. Yes. Point out was that letter of collection was forwarded to by the director at page 52. Mr. Modi ji, aap zyada behas karo to aap bhi dikkat mein pad jaoge. नहीं, मेरा कहना यह है कि अभी तक कोई एक्सप्लेनेशन नहीं आया है द कलेक्टर. हाँ, कैसे कंप्लाई होगा ये बताइए. ये बहानेबाजी तो कैसे होगा, ये कोर्ट को कोर्ट से नहीं, आप हमसे पूछ रहे हैं सवाल नहीं, बता रहा हूं या उलझाना चाहते हैं आप क्या? हाँ, क्या चाहते हैं आप? अब आप कलेक्टर आएगा ना तो उसको बताइएगा आप. चलिए, बोथ 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 ऑफ दैट इंटरनल मैटर है, आप सॉल्व करिए इशू. आप हमको समझा रहे हैं. लेट बोथ द संतोष पटेल एंड रमनलाल शेखर रिमेन 24th ऑन द क्वेश्चन ऑफ पनिशमेंट. और इनको लिखिए, कलेक्टर भिंड शैल रिमेन प्रेजेंट ऑन 24th. कॉपी भी सप्लाइड. 24 तारीख को सजा मिलेगी आपको, यही दोनों अभी हाजिर होंगे आप लोग, और कलेक्टर भिंड भी आएंगे यहाँ पर. जो आपको कहना जवाब है जवाब दे दीजिए आप, आपको सजा क्यों नहीं पड़नी चाहिए. आपको हमने डिक्लेयर कर दिया यू हैव कमिटेड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, नाउ यू हैव टू रिप्लाई व्हाई यू शुड नॉट बी पनिश्ड. और पनिशमेंट क्या होगा वो तो उस दिन आपको सुनने के बाद डिक्लेयर करेंगे. 24 तारीख को तैयारी से आइएगा. बेईमानों की जमात लगी हुई.